दोस्तों आज हम नहीं बात करेंगे कोई मोबाइल का अनबॉक्सिंग का, ना ही कोई लैपटॉप के अनबॉक्सिंग का, ना ही कोई गैजेट का। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वो स्टूडेंट्स लोगों के लिए जिन्होंने अभी अभी अपना एक सेकेंडरी एग्जाम और हाई सेकेंडरी एग्जाम पास किए हो। दोस्तों जैसे हम सभी जानते हैं कुछ दिन पहले जो एचएस का रिजल्ट और माध्यमिक का रिजल्ट और सेकेंडरी का रिजल्ट आउट हुए हैं, वो सभी स्टेट का, सभी बोर्ड का, चाहे वो डब्ल्यूबीएससी हो, चाहे वो आईसीएसई हो, चाहे वो सीबीएसई हो, रिजल्ट आउट हो गया है। अब दोस्तों कोई जो स्टूडेंट्स, सब स्टूडेंट्स तो एक नहीं होता, सबका दिमाग तो एक नहीं होता, किसी ने 60% 90% मार्क्स लाकर पास किया है और किसी ने 30% 40% या 35% 50% मार्क्स लेके पास किए हैं। दोस्तों जब हम मार्क्स लेकर अपने घर में आते हैं, हम खुद की नजरों में इतना नहीं गिरते जितना हम गिर जाते हैं हमारी पड़ोसी का, जितना हम गिर जाते हैं हमारे पेरेंट्स के नजरों में, जितना हम गिर जाते हैं हमारे रिलेटिव्स की नजरों में। पेरेंट्स तो ठीक है, पर पेरेंट्स के ऊपर भी दबाव है। किस बात की? चिंटू क्या सोचेगा, मिंटू क्या सोचेगा, अरे रोहन के पप्पा क्या सोचेगा, सीमान के पप्पा क्या सोचेगा। दोस्तों दबाव उसके ऊपर आते हैं, इसलिए दबाव आते हैं आपकी रिश्तेदारों के लिए, अरे इतना मार्क्स, इतना कम मार्क्स, स्टडी नहीं किया क्या। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके फ्यूचर के, आपके कैरियर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों अगर आप कम मार्क्स लाके पास किए हो, घबराना मत, क्योंकि दिमाग में एक चीज डाल लेना, फेल्यूर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। अरे भाई जब हम एग्जाम देते हैं, हम एग्जाम नहीं देते आपका खुद का, हम एग्जाम देते हैं किताबों का, जो जितना किताब का लाइंस जो है वो जितना क्रैम करेगा, जितना दिमाग में रखेगा, वो उतना ही ज्यादा एक्स्ट्रा मार्क्स लाकर पास करेगा। और जिसको किताबों का लाइंस याद में नहीं रहता वो ही कम मार्क्स लाकर पास करता है। तो दोस्तों ये ऐसा होगा कि मानो के हम एग्जाम नहीं दे रहे, एग्जाम दे रहे हैं हमारा किताब। दोस्तों एकदम मायूस मत होना, मायूस मत होना। मैं जब सेकेंडरी स्टैंडर्ड में पढ़ता था तब मुझे पढ़ाई नहीं अच्छी लगता, पर क्या करे, जो रिश्तेदार था हमारा, पेरेंट्स था, उसके दबाव में आकर पढ़ना होता था। और मैं अच्छा स्टूडेंट्स भी नहीं था और मुझे ओनली 420 मार्क्स आया माध्यमिक सेकेंडरी एग्जाम पर, तब मैं मायूस नहीं हुआ था। अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ है इस बार, दूसरी बार देखेंगे। और उस समय मैंने ठान लिया कि अगर अच्छा मार्क्स लाना है, अगर कोई अच्छा मार्क्स ले आएगा तो वो मैं। और दोस्तों मैं हायर सेकेंडरी में अच्छे मार्क्स लेकर पास किया हूं, उसके बाद इंग्लिश लेके पास किया हूं, ऑनर्स ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हूं इंग्लिश लेके, एमए कंप्लीट किया हूं इंग्लिश लेके। ये मेरा एग्जाम्पल आपको इसलिए दे रहे हैं कि अगर आपको कम मार्क्स आए तो क्या है भाई, एक बार नहीं आया दूसरी बार आ जाएगा। इसके साथ सक्सेस का, इसके साथ कैरियर का कोई कोई दूर दूर तक कोई भी रिलेशन नहीं है। लेकिन अगर 90 मार्क्स लेके पास किया है, मुझे 50% मार्क्स मिला है, तो क्या चिंटू का ज्ञान मुझसे बहुत अच्छा है? नहीं दोस्तों, वो पढ़ाई में अच्छा है, मैं कुछ और चीज में अच्छा हूं,
तो दोस्तों आप एकदम मायूस मत होना, ये मायूस होने का समय नहीं है, ये बहुत ही एक प्रायर टाइम है, बहुत ही वैल्यूएबल टाइम है। दिस इज वन ऑफ द वैल्यूएबल टाइम इन योर लाइफ एंड यू मस्ट हैव टू स्वेयर विद योर सेल्फ दैट यू मस्ट हैव टू डू एनी हाउ। आपको कुछ करना ही होगा, पर आप आपकी खुद की जो मन है, आपके खुद के मन से पूछिए आपको इंटरेस्ट किस में है। चाहे आपको आपका इंटरेस्ट है टेक्नोलॉजी पर, चाहे आपका इंटरेस्ट है बायोलॉजी पर, चाहे आपका इंटरेस्ट है कंप्यूटर पर क्या होता है गाइस, हमारा पेरेंट्स हम पर दबाव देते हैं कि आपको यही लेके पढ़ना चाहिए। कभी कभार वो अच्छा होता है, पर कभी कभार बहुत बुरा भी होता है। हमारे ऊपर प्रेशर पड़ता है, स्टूडेंट्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है। अगर मुझे ये सब्जेक्ट नहीं अच्छा लगता तो क्यों मैं उससे पीछे भागू। आपको इंजीनियर ही होना चाहिए ये बात नहीं। अगर आप टेक्नोलॉजी पे अच्छा है तो टेक्नीशियन बन जाइए, अगर आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट है तो उसके साथ जाइए, अगर आपको कंप्यूटर अच्छा लगता है तो कंप्यूटर के साथ जाइए। आपको सब्जेक्ट को चूज करना होगा, कैसे ना, आप कौन से सब्जेक्ट में अच्छा हो, कौन सा सब्जेक्ट आपको दिल को छूता है, उस सब्जेक्ट पे जाइए और आपका मार्क्स अच्छा ही होगा। देखिए माध्यमिक जो सेकेंडरी एग्जाम होता है वहां पे मैथ होता है, इंग्लिश होता है, हिस्ट्री होता है, जियोग्राफी होता है, पर एक स्टूडेंट सभी सब्जेक्ट पर अच्छा हो ये नहीं हो सकता। आपको, हाँ आपको मैथ में अच्छा मार्क्स नहीं आया, क्यों क्यों आप मैथ में अच्छे नहीं हो, और अच्छे क्यों नहीं हो, आपका मैथ के साथ रिश्ता बहुत बुरा है। दैट मीन्स आप मैथ पे विश्वास ही नहीं रखते, आपको मैथ अच्छा नहीं लगता, आपको इंग्लिश अच्छा लगता है तो इंग्लिश के साथ जाइए, और ऐसे ही आप सक्सेस आपके लाइफ पर पा सकते हो गाइस। मायूस मत होइए और आपकी दिमाग ठंडी दिमाग से सोचिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है, कौन से सब्जेक्ट पे आपका नैक है, वही सब्जेक्ट में जाइए, वही सब्जेक्ट के साथ जाइए। अगर आपका कोई दोस्त साइंस ले रहा है तो आपको भी साइंस लेना होगा, नहीं, अगर आपको आर्ट्स पसंद है तो आर्ट्स के साथ जाइए, अगर आपको कॉमर्स पसंद है कॉमर्स के साथ जाइए, आपको अगर इंजीनियरिंग पसंद है तो उसके साथ जाइए, आपको अगर बीटेक पसंद है बीटेक के साथ जाइए, आपको अगर बीबीए पसंद है बीबीए के साथ जाइए, आपको अगर बीसीए पसंद है बीसीए के साथ जाइए, आपको अगर डॉक्टरी पसंद है डॉक्टरी के साथ जाइए, अगर आपको होटल मैनेजमेंट पसंद है उसके साथ जाइए। आपके हिसाब से चूज करो सब्जेक्ट और सक्सेस आपसे आप आ जाएगा। अगर आप आज आपकी 100% दोगे तो आपका समय भी एक दिन 100% आपको देगा, ये मेरा वादा है आपसे। कई कबार ये भी न्यूज में आता है स्टूडेंट्स कम मार्क्स पाके सुइसाइड किया है, क्यों, लाइफ तो एक बार ही आता है, लाइफ एक बार ही आता है, दो बार नहीं, तो ये बहुत ही वैल्यूएबल लाइफ है, क्यों गवाए इसको चंद मार्क्स के लिए। तो दोस्तों अगर आप मार्क्स कम लेके पास किए हो सुइसाइड क्यों गाइस, सुइसाइड क्यों, सेकेंडरी एग्जाम तक और एचएस एग्जाम तक आपका लाइफ का एंड नहीं होता, आपका लाइफ है बहुत दूर, आपको स्टेप बाय स्टेप उसमें चढ़ना है और सक्सेस वहां पे है, आपको देख रहे हैं आप कैसे उसके पास आ रहे हैं। अगर आप हाल छोड़ दोगे कैसे होगा। मार्क्स जुगाड़ पार्क, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सभी जो फेमस पर्सन हैं, ये तो 100% नहीं है कि ये सभी सभी सब्जेक्ट में अच्छे थे। अगर नेताजी सभी सब्जेक्ट में अच्छे होते तो वो सेकेंड क्यों आते आईपीएस एग्जाम पर, है कि नहीं। तो अगर आपको कम मार्क्स आए हैं तो आप नेक्स्ट एग्जाम के लिए, आप एग्जाम क्या होता है, एग्जाम एक आपका एग्जाम आपका एक
मीडियम होता है आपको सर्टिफिकेट देने के लिए कि भाई आप इतने परसेंट मार्क्स लेके पास किए हो, आप ग्रेट हो। भाई आप इतने परसेंट मार्क्स लेके, पोर परसेंट मार्क्स लेके पास किए हो, आप अच्छे नहीं हो। क्यों भाई? आपको एक एग्जाम, आपको एक एग्जाम्पल देके मैं ये वीडियो एंड करूंगा। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है वहां पे मैंने देखा है बहुत बहुत अच्छे मार्क्स लेकर पास हुआ स्टूडेंट्स भी, उसका जॉब नहीं आता उसको। पर जो एक स्टूडेंट जो कम मार्क्स लेके पास किए हैं उसको जॉब मिल गया है। क्यों? उसका यहां पे नॉलेज है। तो दोस्तों, एग्जाम मतलब एक मार्कशीट, कागज का टुकड़ा। कागज के टुकड़े पे नहीं जाइए दोस्तों, आपके मन के सुने। अगर आपको आज कम मार्क्स मिले हो, आपको नेक्स्ट एग्जाम पे अच्छे मार्क्स मिलेगा। तो दोस्तों, चूज करो आपके हिसाब से, आपके मन से पूछो कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है और चलो उस सब्जेक्ट के साथ, और सक्सेस आपको जरूर मिलेगा। अगर आपको कम मार्क्स आया है इस बार तो दिखा दो दुनिया को कि एक, अगर एक कोई बंदा अच्छा मार्क्स लेके पास करेगा तो वो मैं हूं। और डैड और आपका पेरेंट्स को भी ये बता दो, आपको आपका पेरेंट्स खुश होगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों, घबराइए मत, और अगर आप कम मार्क्स लिए पास किए हो अच्छा है। अगर हर कोई बंदा अच्छे मार्क्स ले आएगा तो जो कम मार्क्स है वो किसके लिए है? अरे भाई, हम लोग है ना, हमें मिला है, दूसरी बार किसी और को कम मार्क्स मिलेगा, मुझे अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो दोस्तों, लाइफ मतलब लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोज। लाइफ एवरी टाइम, लाइफ का मतलब ये नहीं होता कि आप हंसते ही रहो। रोना पड़ता है, हंसना पड़ता है, कभी गम होता है, कभी आपको आनंद आता है, ये ही है लाइफ। लाइफ में उतार चढ़ाव तो होता ही गाइस। तो अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से सब्जेक्ट चूज करिएगा, और आपके लक्ष्य में आप स्थिर रहेगा। एग्जाम के पीछे मत भागो आप, एग्जाम आपके पीछे भागेगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, अगर आपको इंस्पिरेशन मिलता है, प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर कर देना, लाइक जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। पढ़िए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए।